वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी। जी हां, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम दोबारा कॉमन सेंस आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों की कॉमन सेंस चेक करेंगे। आप सोच रहे होंगे इस हफ्ते हम किस जगह के लोगों की कॉमन सेंस चेक करने वाले हैं, तो जगह इस हफ्ते जहां पर हम कॉमन सेंस चेक करने वाले हैं वो है बागेबहू। जी हां, बागेबहू में आए कुछ वीकेंड एंजॉय करने वाले लोगों की आज हम कॉमन सेंस चेक करने जा रहे हैं और देखेंगे कितनी कॉमन सेंस है उनमें। पर कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखाएंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जैसे कि हम हर हफ्ते आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाते हैं जिससे आपकी नॉलेज जरूर बढ़ती है, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी और कभी भी इस फैक्ट को आप जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तब मुझे जरूर याद करेंगे। तो देखिए आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें हमने आपको एक फैक्ट बताया जिससे आपकी नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। हमारा जो पहला सवाल है आज के कार्यक्रम का, कि अगर एक सड़क की चौड़ाई 5 फीट है और दोनों साइड से, एक साइड से ट्रक वाला आ रहा है और दूसरी साइड से टैक्सी वाला आ रहा है, तो वो सेम टाइम पर क्रॉस किस तरीके से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और देखते हैं कितनी कॉमन सेंस है उनमें और वो मेरे सवाल को सुनते हैं, समझते हैं या नहीं। मेरा नाम मनोज कुमार झा है और मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं तो कॉमन सेंस है आप में? ऑफ कोर्स, हम लोग कॉमन सेंस वाले आदमी हैं। आपको कैसे पता आप में कॉमन सेंस है? क्योंकि मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? जी हाँ। कैसे पता आपको? कॉमन सेंस हम जो काम करता है, जो हम इसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ जो काम करेगा वही हमें कॉमन सेंस के थ्रू ही करना पड़ता है। होता क्या है कॉमन सेंस? कि ये कॉमन सेंस है करके हमको कोई देखने का कोई चीज़ नहीं होता है। कॉमन सेंस हमारे अंदर ही होता है, जो हम यूज़ करते हैं, हमारे दिमाग के साथ लॉजिक यूज़ करके बात करते हैं, वही कॉमन सेंस होता है मेरे ख्याल से। जी दोस्तों, इस वक्त हम बागे बहू में लोगों की कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए बात करते हैं उनसे। अपना नाम बता दें। प्रमोद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ यूपी। अच्छा, बताइए आप में कॉमन सेंस है? बिल्कुल है। कैसे पता चला आपको? मुझे पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि आपने पूछा कि कहाँ से हो, मैंने बोला आजमगढ़। आजमगढ़ के लोगों में कॉमन सेंस होती है? हाँ बिल्कुल होती है। किसने बताया आपको? आजमगढ़ वाले ने बताया। उन्होंने बताया कि हमें कॉमन सेंस है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? यस। कितनी है? जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, आप बताइए ना कितना। आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताओ मुझे। आप बताइए ना आप में है कितनी। हाँ, जितनी कॉमन मैन में होती है। आपने कॉमन मैन जितनी है, आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा मैं। पूछिए। अच्छा बताइए, अगर एक सड़क 5 फुट चौड़ी है, ठीक है, एक साइड से ट्रक वाला आ रहा है, दूसरी साइड से टैक्सी वाला आ रहा है, दोनों क्रॉस कैसे करेंगे? दोनों क्रॉस कैसे करेंगे? अच्छा, तो कहीं साइड में होगी तो वो चले जाएंगे। साइड है ही नहीं ना, 5 फुट आप खुद हिसाब लगा लो कितना होता है। अच्छा, ये जो टैक्सी वाला और ट्रक में सवार होकर के निकल जाएगा दोनों? सवार नहीं हो रहे सर, क्रॉस आ रहे हैं। क्रॉस करना है, चौड़ाई तो 5 फीट ही है। चौड़ाई 5 फीट है, आप खुद हिसाब लगा। डिवाइडर नहीं है बीच में? कोई डिवाइडर नहीं। 5 फीट में कितना डिवाइडर होगा? हाँ, तो कॉमन सेंस है कि ये नहीं हो पाएगा। अच्छा बताइए, कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज के टाइम में? कॉमन सेंस बहुत तरह की होती है। कौन सी तरह की होती है? हर तरह की होती है, मतलब हर चीज़ में कॉमन सेंस होती है। कहीं आप घूमने जा रहे हैं, आपको जूते कहाँ निकालने, इसकी कॉमन सेंस होनी चाहिए। आप पहन के चले जाते हैं, आपको कबाड़ा कहाँ फेंकना है, कहीं भी खा रहे हैं कहीं भी फेंक दे रहे हैं, इसकी कॉमन सेंस होनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले? कोटा, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के लोगों में कॉमन सेंस होती है? हाँ होता है। आप में है? जिस वक्त हम बागे बहू में लोगों की कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए बात करते हैं उनसे। अपना नाम बता दें। मोनालिसा मोहंती। कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा। अच्छा बताइए, कॉमन सेंस है आप में? मे भी हो सकता है। मे भी है कि नहीं है? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो छोड़ो ना, ऐसे बताओ ना पहले, है कॉमन सेंस? हाँ जी बिल्कुल। किसने बताया? किसने बताया? आपने बताया। 5 फुट चौड़ी रोड है, ठीक है, एक साइड से एक ट्रक वाला आ रहा है, एक साइड से एक टैक्सी वाला आ रहा है, दोनों ने पार करना है, किस तरीके से करेंगे? वो 5 फीट में तो पार नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से करेंगे, सोचो ना, पार कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूं मैं? बिल्कुल। अच्छा बताइए, अगर 5 फुट चौड़ी एक रोड है, 5 फुट वाइड है एक रोड, एक साइड से एक ट्रक वाला आ रहा है, एक साइड से टैक्सी वाला आ रहा है, दोनों क्रॉस कैसे करेंगे? अजी, एक रोक देगा आगे में, एक फिर बाद में जाएगा, फिर दूसरा आएगा। पहले ट्रक वाला है वो साइड लगा लेगा, कहीं जहाँ पे
उसके लिए जगह होगी। नहीं तो साइड नहीं लगाना, एक साथ क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे? एक साथ क्रॉस करेंगे, एक साथ तो यस। दिस दिस क्यों बोलो? क्यूट, पहले ट्रक वाला निकलेगा फिर टैक्सी वाला। पाँच फुट जैसे लंबाई रोड होता है, पाँच फुट जैसे कि ट्रक ट्रक वर्ड वो कम होता है कि पाँच फुट से ना, पाँच फुट में वो दोनों आ जाएगा मेरे ख्याल से ना, क्योंकि वो साइड में थोड़ा सेट करेगी कि वहाँ से वो आसानी से निकल जाएगा। एक ही सड़क पे अपोजिट साइड से टैक्सी वाला आ रहा है और दूसरी साइड से ट्रक वाला आ रहा है, तो कैसे क्रॉस करेंगे? तो क्या चलेंगे, वो दोनों के लिए जगह होगी ना। पाँच फुट में दोनों कैसे आएंगे? तो साइड पे कोई जगह होगी, एक एक साइड पे रुक जाएगा तो दूसरा वाला निकल जाएगा। हाइट कितनी है आपकी? 4 feet 5 inches। तो बस आपसे थोड़ी सी बड़ी है ट्रक, समझ वो रोड। तो उसमें ट्रक कैसे आएगा? वही तो हम पूछ रहे हैं ना, फिर ट्रक और ट्रक वाला और टैक्सी वाला कैसे क्रॉस करेंगे? तो कैसे क्रॉस करेंगे? टैक्सी वाला ले जाएगा, ट्रक वाला तो आ ही नहीं सकता उसमें। हम बोल रहे हैं क्रॉस कर चुके हैं, पर कैसे करेंगे क्रॉस? क्रॉस कैसे कर चुके हैं? हमने बोल दिया पहले चलेगा, दूसरा बाद में चलेगा होगा। पहले नहीं ना, एक साथ जा रहे हैं दोनों क्रॉस करें। सोचिए क्या साइंस है इसके पीछे, ट्रक वाला और टैक्सी वाला। खिलौना कहाँ से आएगा सर? वास्तविक में बात बोल रहे हैं हम, खिलौना कहाँ से आएगा? तो ये तो नहीं बता पाएंगे। सड़क से नीचे उतार लेंगे बाइक को, या तो या नीचे कहाँ से उतार लेंगे? नीचे पहाड़ है, नीचे जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है तो उसके लिए तो या तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी। 5 फुट की सड़क रहेगी तो सामने से ऑटो वाला कैसे आएगा? साइड में से टैक्सी कैसे आएगी फिर 5 फुट की? हम बोल रहे हैं आ चुके हैं, टैक्सी वाला सामने से आ रहा है, ट्रक वाला दूसरी साइड से आ रहा है, कैसे क्रॉस करेंगे? तो सामने से क्रॉस कैसे करेंगे? तो या तो पहले ट्रक ने क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद में उसने टैक्सी। अरे कर पाएंगे मैं बोल रहा हूँ, पर कैसे करेंगे वो आप बताओ। पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, पता चलेगा। अभी आप बोल रहे थे आजमगढ़ के लोगों में कॉमन सेंस होती है, वो कहीं टॉय तो नहीं है? टॉय कोई नहीं है सर, ट्रक वाला एक साइड से आ रहा है, एक साइड से टैक्सी वाला आ रहा है, कैसे पार करेंगे दोनों? एक के ऊपर एक को चढ़ा के पार कर देंगे। ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? चढ़ा लेंगे उसको। ये कौन सी साइंस लगाई आपने? चढ़ा देंगे उसको। नहीं 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 जी, दोनों क्रॉस कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं वो आप बताएं। अच्छा तो वो पीछे से जाएंगे। हाँ जी, दोनों सेम साइडेड क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिट साइड से नहीं आ रहे, दोनों सेम साइड से क्रॉस। अपोजिट साइड से आ रहे हैं, एक सामने से, दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, तो कैसे क्रॉस करेंगे? एक इस साइड से आएगा और एक इस साइड से आएगा। इस साइड से कैसे आएगा? दो 5 फुट के है रोड है, और एक सामने से आ रही है ट्रक, और इधर से भी एक कार। 5 फुट की रोड है, सामने से ट्रक वाला आ रहा है, दूसरी साइड से टैक्सी वाला आ रहा है, कैसे क्रॉस करेंगे? अच्छा टैक्सी वाले रुक जाएंगे 2 मिनट के लिए। ये रुकेगा कोई नहीं सर, ब्रेक फेल हो गया आप समझ लो। 5 फुट लगा सकते हो साहब? कितना? लग गया 5 फुट चौड़ी एक रोड है, सामने वाली साइड से एक ट्रक वाला आ रहा है, दूसरी साइड से एक टैक्सी वाला आ रहा है, दोनों क्रॉस कैसे करेंगे? 5 फुट चौड़ी रोड है तो ना ट्रक वाला घुसता है ना टैक्सी वाला घुसता है। क्यों नहीं घुस पाएगा? हम बोल रहे हैं आ रहे। अरे जी मैं 5 फुट का हूँ, ऐसे लेट जाऊंगा तो ट्रक वाला इसमें घुस जाएगा। लेट के दिखाओ कितनी होती है 5 फुट। लेट जाऊँ? कपड़े गंदे हो जाएंगे, लास्ट कपड़े बचे ये। अच्छा चलो बताओ ना, 5 फुट से ऊपर हूँ मैं। मैं अगर लेट जाऊँगा तो कितना होगा वो आपने बताना ना, हम तो बोल रहे हैं निकल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि निकल चुके हैं दोनों, कैसे निकले? 5 फुट चौड़ी रोड में निकल ही नहीं पाएंगे यार। हम बोल रहे हैं निकल चुके हैं, कैसे निकलेंगे? दूसरे रास्ते निकल जाएंगे। 5 फुट में मतलब दोनों चीजें नहीं निकल सकती? हाँ। क्या कहना चाहते हो? नहीं निकल पाऊंगी मेरे ख्याल से। पक्का? पक्का। अगर हम बोल रहे हैं निकल रही है वो, तो कैसे निकलेंगी? वो निकल नहीं पाएगी भाई, कॉमन सेंस की नहीं, वो नहीं होगा मेरे ख्याल से ना। नहीं ना पक्का बताओ ना, फिर हम भी बताएं अपने दर्शकों को कि होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। पक्का? पक्का। चलो इधर कैमरे में बोल दो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं बोल पा रहे, फिर कैमरे में बोल दो कि मैं नहीं बोल पा रहा। हाँ भाई नहीं, मैं तो नहीं बोल पा रहा। हाँ मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ। आप जी? नहीं मैं भी नहीं। आप फिर? सॉरी ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा कि 5 फीट सड़क में ट्रक वाला और टैक्सी वाला क्रॉस कैसे करेंगे। एक तो ट्रक आ रहा है, आ ही नहीं पाएंगे, निकलेंगे कैसे? अरे हम बोल रहे हैं आ भी गए हैं और निकल भी गए हैं, कैसे निकलेंगे पर वो बताओ। एक छोटे से बच्चे वाला ट्रक ले लो, जो बच्चे खेलते हैं, और छोटा टैक्सी ले लो, दोनों निकल जाएंगे। इधर बोल दो जो आपने बोला। एक छोटे बच्चे वाला ट्रक ले लो जो चलाते हैं,
और एक छोटे बच्चे वाली टैक्सी ले लो, दोनों निकल जाएंगे। पक्का? पक्का। मान जाए आपकी बात? मान जाओ यार, और कुछ नहीं है, मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसे पार नहीं होंगे वो? बिना चढ़ाए पार नहीं होंगे? बिना चढ़ाए नहीं पार होंगे। पक्का? पक्का। मान जाए आपकी बात? मान जाओ। मतलब आप साबित कर रहे हो आजमगढ़ के लोगों में कितनी कॉमन सेंस है। अब ऐसा नहीं बोल सकते। तो रोड दो दो साइड में बटा हुआ है, एक इस साइड से जाएगा और एक इस साइड से जाएगा। 5 फुट की रोड है, हो जाएगा भाई। ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से तो वो फिर मुश्किल है, क्योंकि वन वे होनी चाहिए थी, क्रॉस करनी है फिर। 5 फुट पता है आपको कितना होता है? हाँ जी, क्रॉस कर सकते हैं दोनों? 5 फुट में तो क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। चलो ये तो कह रहे हैं कि 5 फुट में एक भी इंसान क्रॉस नहीं कर सकता, बात करते कुछ और लोगों से। वो दोनों साथ में आ रहे हैं, अब आमने सामने से। आमने सामने से आ रहे हैं। तो आगे आगे पुल होगा ना फिर, जिसमें से वो क्रॉस कर सकेंगे। पुल तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला सड़क है एक। तो सड़क पे तो पुल होते हैं? पुल नहीं है सड़क पे, सिर्फ एक सड़क है, 5 फुट चौड़ी सड़क है। अपोजिट साइड से ट्रक वाला आ रहा है, दूसरी साइड से टैक्सी वाला आ रहा है, कैसे क्रॉस करेंगे? मुझे नहीं पता, बोल दो कैमरे पे। नहीं पता? नहीं पता। टैक्सी ना या तो ट्रैक के ऊपर होगी। ऊपर नहीं है भाई, आएगी। थोड़ा सोचो ना, कहते हैं लड़कियों में कॉमन सेंस भी होती है कभी कभी। होती है। थोड़ा सोचो। क्या बोल, नहीं आ रहा सब। कमरे पे बोल दो, नहीं आ रहा मेरे को। नहीं आ रहा। आपको आ रहा है? नहीं 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 आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं। आपको? नहीं आ रहा। ट्रक वाला और टैक्सी वाला एक साथ निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? बट एक चीज मुझे पहले बताएं, उनके पास दोनों के पास ट्रक और टैक्सी है साथ में या बगैर उसके? दे आर जस्ट ड्राइवर्स। अब मैंने आपको सिर्फ पूछा कि ट्रक वाला है और टैक्सी। नहीं, टैक्सी वाला है ना, बट टैक्सी तो लेने जा रही है। ये आपने कॉमन सेंस लगाई अभी? तो अभी कॉमन सेंस ही है। इन्होंने तो कॉमन सेंस लगा लिया, ये बात करते कुछ और लोगों से। ट्रक वाला आ रहा है ना, तो दो आदमी हुए, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगे। ये आपने कॉमन सेंस लगाई है। दोस्तों, सवाल हमारा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, अगर समझते और सुनते हमारे सवाल को। हमने सवाल पूछा था लोगों से कि अगर 5 फुट की रोड चौड़ी है, सामने वाली साइड से एक ट्रक वाला आ रहा है और दूसरी साइड से एक टैक्सी वाला आ रहा है, तो दोनों कैसे क्रॉस करेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल था, अगर सुनते समझते और ध्यान देते हमारे सवाल पे तो बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते थे। तो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि सिर्फ ट्रक वाला और टैक्सी वाला आ रहा है, ट्रक और टैक्सी नहीं आ रहे। चलते हैं बाग, हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम पूछेंगे एक और आसान सा सवाल कि अगर 50 किलो आटा एक इंसान के पास है, एक आदमी के पास 50 किलो आटा है और घर पे उसके बाइक, ट्रक और कार तीनों चीजें हैं, तो वो आटा पिसवाने किस पर लेके जाएगा? आइए चलते हैं और बात करते हैं कुछ लोगों से। सवाल मेरे बिल्कुल आसान है, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं वो अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं और मेरे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। अपना नाम बता दें आप। और जी, कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब। कॉमन सेंस है आप में? यो, कैसे बता? कैसे बता? तो कॉमन सेंस आप देख सकते हैं, कॉमन सेंस सवाल कैसे देख सकते हैं? आप कुछ भी पूछोगे उसके हम आंसर देंगे, तो आप देखेंगे ये कॉमन सेंस है। तो मैं पूछूंगा, आप जवाब दे दोगे? हाँ, ट्राई करेंगे। अच्छा चलो बताओ, अगर एक आदमी के पास 50 किलो आटा पड़ा है, ठीक है, एक आदमी के पास 50 किलो आटा है, उसके पास घर पे बाइक भी है, गाड़ी भी है और ट्रक भी है, अब उसको वो पिसवाने के लिए ले जाना, किस पे लेके जाएगा? जाना तीनों भाई? तीनों में से किसी एक पे किस पे लेके जाएगा? कितनी दूर जाना है? 2 किलोमीटर दूर है। बाइक पे जाएगा। पक्का? ट्रक में। क्यों? अच्छा, जिस पे वो आएगा। ट्रक में आ जाएगा आटा 50 किलो? 50 किलो? हाँ, आ जाएगा। पक्का ना? मतलब वो ट्रक में लेके जाएगा? पक्का ट्रक में, किसी और में नहीं लेके जाएगा? वो तो हाथ में भी लेके जा सकते, 50 किलो चीज है, भारी है, सोच रहा होगा पीछे लोड करूँ आराम से ले जाऊँ, बाइक से कहीं गिर सकती है। गाड़ी में नहीं लेके जाएगा? गाड़ी नहीं, गाड़ी भी है उसके पास। गाड़ी भी? हाँ, गाड़ी भी लेके जा सकता है, बट 2 व्हीलर पे नहीं लेके जा सकता, जो अंदर उसको अच्छी तरह रख के फिर लेके जा सकता है, क्योंकि 2 व्हीलर में कई बार इंसान बबलिंग करता है, टायर कुछ भी हो जाता है, स्लिप हो जाता है इंसान, तो 4 व्हीलर।
क्या कहना है, मतलब पक्का बाइक पे लेके जाएगा या किसी और पे भी लेके जा सकता है? और पे भी लेके जा सकता है, और पे भी लेके जा सकता है। तो फिर बाइक पे क्यों लेके जाएगा? बाइक पे बजट के पेट्रोल, अपनी बचत देखेगा ना वो, जो उसके पास है जो बाइक में पेट्रोल में होगा तो फिर वो कंधे पे खड़ सकता है, वैसे तो बाइक पे ही खड़ेगा। चलो मैं इतना बता देता हूँ कि इसका जवाब ये नहीं है, कुछ और है, सोचो कुछ और। नहीं, मेरी कॉमन सेंस से तो यही है। यही कॉमन सेंस आपकी? कॉमन सेंस के हिसाब से बाइक पे लेके जाएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ और है तो तब भी नहीं आप सोचोगे? और नहीं, आपने तो तीनों ऑप्शन दिए थे, ये तीनों पे। हाँ तीनों ही दिए थे, पर बताओ ना थोड़ा कुछ और है। नहीं मेरे, आप मानते हो मेरी बात कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ और आंसर है इसका? आप भी मानते हो कि बाइक पे जाएगा? चलो ये तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, किसी और से बात करते हैं और देखते हैं वो मेरी बात मानते हैं या नहीं। तो आप साबित कर रहे हो लड़कियों में कितनी कॉमन सेंस है? लड़कियों में ज्यादा होती है लड़कों से, ऑब्वियसली लड़कियों में बड़ी ज्यादा कॉमन सेंस होती है, लड़कों में नहीं। चलो अपना जवाब आप कैमरे पे बता दो और बोलो कि लड़कियों में कॉमन सेंस है। लड़कियों में कॉमन सेंस है, ऑब्वियसली लड़कियों में कॉमन सेंस है। जवाब ही बता दो ना अपना, क्या है, किस पे लेके जाएगा? गाड़ी में। पक्का? ठीक, पक्का। चलो मान लेते हैं इनकी बात, ये कह रहे हैं कि गाड़ी पे लेके जाएगा, आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। शो कैसे करते हैं कॉमन सेंस? कैसे कुछ ऐसा सडनली कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो लड़कियां ज़्यादा सोचकर वो काम करती हैं। अब अभी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे तो सोचकर आप काम करेंगे कॉमन सेंस वाला? ओके। अच्छा बताइए, अगर एक आदमी के पास 50 किलो आटा है, घर पे उसके बाइक भी है, ट्रक भी है और गाड़ी भी है, अब उसको वो आटा पिसवाने के लिए ले जाना, किस पे लेके जाएगा? बाइक भी है और ट्रक भी है और गाड़ी भी है। गाड़ी तो बाइक ही, मतलब गाड़ी कार है, कार बाइक और ट्रक है, किस पे लेके जाएगा? आटा को क्यों पिसवाएंगे? आटा तो पिसा हुआ ही होता है, गेहूं थोड़ी के है। पक्का पिसा हुआ था ना? हाँ पक्का पिसा हुआ होता है। अगर नहीं पिसा हुआ आटा फिर तो गेहूं बोलते हैं, तो गेहूं जाते हैं, आटा पिसा लेंगे। पक्का? पक्का। आप आटे की रोटी खाते हो ना, तो गेहूं का मतलब आटा बनता है कि आटा को ही फिर से पिसवाने ले जाते हैं? अच्छा, आप मतलब साबित कर रहे हो कि लड़कियों में कॉमन सेंस होती है? हाँ। बोल दो कैमरे पे कि लड़कियों में कॉमन सेंस होती है? हाँ होती है, पक्का होती है। आटा ना पहले पिसा होता है ना, तभी वो कहीं किसी भी नहीं ले जाएगा। आपको कैसे पता पहले पिसा होता है? थोड़ा सा सेंस लगाया ना। पहले नहीं लगाया था? पहले थोड़ा सा जल्दी बोल दिया। तो काफी लेट इनको सेंस आई है, पर आई जरूर है, तो बात करते हैं कुछ और लोगों से। लड़कियों में ज्यादा कॉमन सेंस होती है या लड़कों में? लड़कियों में ऑफ कोर्स। कहते हैं लड़कियों में कम होती है? नहीं, लड़कियों में ज्यादा होती है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछेंगे कॉमन सेंस का। ठीक है पूछिए। अच्छा बताइए, अगर एक आदमी के पास 50 किलो आटा है, 50 किलो आटे की एक बोरी है, उसके पास घर में बाइक भी है, ट्रक भी है और कार भी है, अब उसको वो आटा पिसवाने के लिए ले जाना, कैसे ले जाना? आटा नहीं पिसाना होता, गेहूँ पिसाना होता है, आटा तो पिसा हुआ होता है। ये आपने कॉमन सेंस लगाई? नहीं, ये तो इसमें कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। बाइक पे? क्यों बाइक में? क्यों आटा आगे आराम से लेके चला जा सकता है? खुद नहीं लेके जाएगा? हैं? खुद भी तो लेके जा सकता है? भी तो लेके जाएगा साथ में। पिसता नहीं है। क्यों नहीं पिसता? क्योंकि वो आटा है इसलिए पिसता नहीं है, गेहूँ पिसता, आटा नहीं पिसता। आपने कॉमन सेंस नहीं लगाया? अच्छा सॉरी। अच्छा कॉमन सेंस है आप में? ये तो आपको भी दिख रहा होगा। दिखती थोड़ा ना है कॉमन सेंस? वो है तो सही। कैसे बता? यही बस देख लो ना आप, आपको भी तो नजर। क्या देखो, मतलब क्या है कॉमन सेंस वाला? अब ये मैं क्या बताऊँ, मेरी मैं खुद थोड़ी बता सकता हूँ, कोई दूसरा ही बताएगा। अच्छा आपको मतलब दूसरे बताते हैं कि आप में कॉमन सेंस? आज तक बताया किसी ने? बताया ना। किस कितने लोगों ने बताया? अब वो काफ़ी ने बताया। क्या बोलते हैं कि आप में कॉमन सेंस है? यही से नज़र आता है। आपसे मैं एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूं? बिल्कुल। अच्छा बताइए, एक आदमी के पास 50 किलो आटा है, ठीक है, घर पे उसके बाइक भी है, कार भी है और ट्रक भी है, अब उसको वो आटा पिसवाने के लिए ले जाना, किस पे लेके जाएगा? अरे चलो चलो, आटा पिसवाने ले जाना है, आटा तो आटा है, गेहूँ थोड़ी है जो पिसवाने ले जाना है उसे। नहीं पिसेगा? नहीं आटा नहीं पीसता है, आटा तो डायरेक्ट आटा डायरेक्ट पेट में जाता है रोटी बना के। ऐसे नहीं पिसता वो? नहीं नहीं आटा नहीं पिसता है, गेहूँ। पक्का ना? पक्का है। बिल्कुल। अगर मैं बोलूं आटा पिस भी जाता तो? नहीं हो ही नहीं सकता ना, वो दांतों से पिसता है जरूर रोटी बना के, वो दांतों से पिसता है अंदर, पेट के अंदर ऐसे नहीं पिसता। नहीं नहीं जानती नहीं है।
जी दोस्तों, हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने एक आसान सा सवाल पूछा था लोगों से कि अगर एक आदमी के पास 50 किलो आटा है और उसको वो पिसवाने के लिए ले जाना है और उसके पास बाइक, गाड़ी और ट्रक तीनों है तो वो किस पे लेके जाएगा। लोग हमारे जो सवाल नहीं सुनते हैं उनके जवाब तो गलत ही होंगे, पर जो सुनते हैं उन्होंने सही जवाब भी इसके दिए हैं। और इस सवाल का जो सही जवाब है कि आटा पहले का पिसा हुआ होता है और आटे को पिसवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलते हैं अब कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ, जिसमें हम एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे लोगों से। टंग ट्विस्टर है 6 sharp smart sharks। जी हाँ, 6 sharp smart sharks। देखते हैं कौन लोग बोल पाते हैं और कैसे बोल पाते हैं वो 5 बार तेज तेज। What's your name? My name is Ling. Where are you from? China. Okay, I'll ask you a tongue twister. Will you speak it for us? Sorry, I didn't get that. Tongue twister, you have to speak 6 sharp smart sharks 5 times fast. Six sharp smart sharks. Okay. 5 times. Can you speak it fast for us? 6 sharks. Sorry. 6 sharp smart sharks. 6 sharp smart sharks. Smart sharks. Smart. 6 sharp smart sharks. 6 sharks smart sharks. 6 sharp 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 smart sharks. जी इन्होंने तो बोल दिया है, ये साबित कर रहे हैं कि चाइना में भी लोगों के पास कॉमन सेंस है और वो भी टंग ट्विस्टर बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। Six smart sharks. बोलिए बोलिए, ट्राई कीजिए। Six sharp smart sharp. करो ट्राई, बोलते हैं बच्चे बोल पाते हैं टंग ट्विस्टर बड़ी आसानी से। नहीं बोल पा रहे तो कैमरे में बोल दो कि मैं नहीं बोल पा रहा। नहीं बोल पा रहा, कैमरे में देख के बोल दो ना। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। Six sharp smart shark. गलत हो गया भाई। बोलो एक बार ट्राई करो, कुछ नहीं होता। Six sharp smart shark. नहीं बोल पाएंगे मेरे से। कैमरे में बोल दो, नहीं बोल पाऊंगा इस नजर में। बोलने को six sharp smart sharks. बोलो 5 तेज में। Six sharp smart sharks. गलत हो गया। करो ट्राई करो। Six sharp smart sharks. तेज बोलना, इतनी आहिस्ता तो कोई भी बोलेगा। बस यार ट्राई करो, कुछ नहीं होता। Six sharp smart sharks. बोलो तेज तेज 5 बार। Six sharp smart sharks. शार्क नहीं इस बार। नहीं बोल पा रहे तो कैमरे में बोल दो, मैं नहीं बोल पा रहा। टंग ट्विस्टर बोल रहा है आपने 6 sharp smart sharks। बोले sharp smart shirts, शर्ट नहीं शार्क, जो मछली होती है ना शार्क मछली वो। 6 sharp smart sharks
सिक्स शार्प स्मार्ट सॉक्स, सिर्फ सिक्स शार्प स्मार्ट सॉक्स, सिक्स शार्प स्मार्ट सॉक्स। कितनी बार बोल रहे हो? आई डोंट नो यार। जिस वक्त हम बागेबहु पार्क में, कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि टंग ट्विस्टर बोलना चाहते हैं। हम उनको निराश नहीं करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और देखेंगे वो टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं या नहीं। आप हमारा टंग ट्विस्टर बोलेंगे? हाँ बोलूं, यस। अच्छा, हमारा टंग ट्विस्टर है सिक्स शार्प स्मार्ट शार्क्स। पांच बार बोलना तेज से। सिक्स शार्क स्मार्ट शार्क, शार्क नहीं, सिक्स शार्प स्मार्ट शार्क, सिक्स शार्प स्मार्ट शार्क। एक बार बोल दो। सिक्स शार्प स्मार्ट शार्क्स, सिक्स शार्म शार्प शार्प। आप बोलोगे? बोलो। सिक्स शार्प स्मार्ट शार्क, 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 सिक्स स्मार्ट शार्प स्मार्ट शार्क। बोल दिया? बोल दिया। पक्का? पक्का। कैमरे में बोल दो, मैंने बोल दिया। बोल दिया। जी दोस्तों, टंग ट्विस्टर हम लोगों से इसीलिए पूछते हैं ताकि उनकी फंबलिंग की प्रॉब्लम दूर हो सके। जी हाँ, काफ़ी लोग हमें कंप्लेंट करते हैं कि उनको फंबलिंग की काफ़ी प्रॉब्लम है। हम टंग ट्विस्टर इसीलिए पूछते हैं ताकि उनको फंबलिंग की प्रॉब्लम दूर हो सके। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia। साथ ही सजेशंस दे सकते हैं इस कार्यक्रम के रिलेटेड, और हमें लोकेशंस बता सकते हैं और क्वेश्चंस भी बता सकते हैं जो आप चाहते हैं हम इस कार्यक्रम में पूछें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8716964444। जी हाँ, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन दीपक कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।